नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 2012 में सपा के हाथों सत्ता गंवाने के बाद से महलनुमा बंगले का आनंद ले रही बसपा सुप्रीमो मायावती लगता है इस बंगले का मोह छोड़ नहीं पा रही हैं। शायद इसीलिए बंगले के बाहर काशीराम का बोर्ड टांग दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सरकारी बंगला खाली करने के आदेश के बाद से ही सूबे के पूर्व मुख्यमंत्रियों में खलबली मची हुई है। इन सरकारी बंगलों में मायावती का 13A माल वेन्यू भी शामिल है, जो मायावती को 1995 में आवंटित किया हुआ था। एक तरफ जहां खबर आ रही थी कि मायावती नोटिस मिलने के बाद अपने दूसरे बंगले में शिफ्ट होने जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सरकारी बंगले के बाहर काशीराम यादगार विश्राम स्थल का बोर्ड टंगवा दिया गया है, जिससे मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। मायावती के इस दाव से दलित एजेंडे पर आगे बढ़ रही बीजेपी सरकार की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, जिसके सामने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चुनौती होगी, तो वहीं दूसरी तरफ काशीराम के नाम का बोर्ड भी हटवाना उसे भारी पड़ सकता है। SC ST एक्ट को लेकर पहले से ही दलित संगठन के निशाने पर रही बीजेपी अब एक और मुसीबत मोल लेना नहीं चाहेगी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मायावती के इस दाव को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की कोशिश बताया है। कोई भी ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री जो बंगला खाली करने से बचने के लिए अपने उपक्रम अपना रहा है, कहीं ना कहीं वो न्यायपालिका का अवमानना करने का काम कर रहा है। भारत के संविधान में उनका विश्वास नहीं होगा जो लोग ऐसा उपक्रम अपनाएंगे। राज्य सरकार का स्पष्ट तौर पर रुख है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना सुनिश्चित होनी चाहिए और मायावती जी का ये प्रयास ठीक नहीं है। उनको बेहतर होगा कि अपने बंगले का मुंह छोड़ देना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से अकूत उसमें पैसा लुटाया था, उसके रंग रोगन में, उसमें विलासिता के तमाम साजो सामान इकट्ठा करने में, इस नाते आज दोनों लोगों का मुंह ज्यादा है अपने बंगलों को लेकर के, उन्हें अपने बंगले का मुंह छोड़ देना चाहिए। तो वहीं माना जा रहा है कि मायावती सरकारी बंगला बचाने के लिए बंगले में काशीराम विश्राम स्थल होने का हवाला दे सकती है, जिसे अगर राज्य संपत्ति विभाग मान लेता है तो मायावती का बंगला बच सकता है। हालांकि उन्हें काशीराम यादगार विश्राम स्थल का पूरा किराया चुकाना पड़ेगा। वहीं प्लान बी के तहत मायावती के पुराने बंगले का भी जोर शोर से रिनोवेशन हो रहा है। तेजी से हो रहे रंग रोगन के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती का फिलहाल नया पता 9 Mall Avenue ही होगा। मायावती का निजी बंगला भी उनके सरकारी आवास के ठीक सामने ही है। आपको बता दें, मायावती की तरह सपा अध्यक्ष अखिलेश और मुलायम भी अपना सरकारी बंगला बचाने के लिए इन दिनों जुगाड़ में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि खुद को जनता का सेवक कहने वाले ये नेता अपनी तिकड़मबाजी से करोड़ों के सरकारी बंगले को बचा पाते हैं या नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।